ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد

सबिका जो उम्मत मुस्लिम है यानी कि बनी इसराइल उनके दो रूज और दो जवाल वो डिस्कस किए थे और फिर एंड पे हमने गुफ्तु इस पर कंक्लूड की थी कि जो मौजूदा उम्मत मुसलिमा है यानी कि उम्मत मोहम्मदिया सल्ह वसलम उनका पैटर्न भी सेम है अरूज जवाल के हवाले से सिर्फ एक इसना है बनी इसराइल के केस में दो रूज के बाद दो ज़वाल आए और दैट्स ऑल लेकिन इस उम्मत में दो जवाल कंप्लीट होने के बाद फिर आखिर में दोबारा से तीसरा उरूज आएगा और वो इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अलमहदी रदील की सरकर्दगी में होगा जिसकी और सुन्नत में मौजूद है कुरान में इशारतन जिक्र है कम अज कम तीन मकाम पर अल्लाह जिक्र किया अरसला रसूल बिलहदादी वलव करी हल मुशरिकून वही अल्लाह है जिसने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि सल्हस को अल हुदा यानी कुरान के साथ मबूस किया और दीने हक के साथ ताकि इसे तमाम अधियान पर गालिब कर दे खा, काफिर और मुशरिक इस बात का बुरा ही मान जाए अभी तक इस रूए अर्स ने यह मंजर नहीं देखा कि पूरी दुनिया पर इस्लाम का गलबा हो लेकिन कुर्बे क्यामत में क्यामत आने से पहले पहले एक दफा पूरी दुनिया पर इस्लाम का गलबा होगा दोबारा से खिलाफ राजदा कायम हो जाएगी मुसनद आमद में हदीस मौजूद है अल्लाह के महबूब सल्ह वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला जब तक चाहेगा मैं तुम में मौजूद रहूंगा तुम में नबूत बाकी रहेगी फिर अल्लाह ताला मुझे अपने पास बुला लेगा मेरे बाद खिलाफत नबुआ कायम होगी जो अबूदउ और तिरमजी में आया के तीस साल तक होगी उसकी तफसीलात भी आई अबू बकर के दो साल उमर के दस साल उस्मान के बारह साल और अली के छह साल रदय अजमीन वलिमसलाम अजमाइन और उन छह सालों में साढ़े पांच साल हजरत अली के हैं और छह महीने हसन इबन अली के फिर मुस्नद आमद की हदीस में आगे आता है कि खिलाफत आला मिन हाजी नबूआ के बाद काट खाने वाली मलूकियत का दौर शुरू हो जाएगा और वो भी उस वक्त तक रहेगा जब तक अल्लाह चाहेगा फिर अल्लाह ताला उसे भी उठा लेगा फिर तुम पर जाबिर हुक्मरानों का गलबा हो जाएगा और वो भी जब तक अल्लाह चाहेगा वो गलबा बाकी रहेगा और फिर उसके बाद दोबारा से खिलाफत अलामिन हाजिर नबूआ कायम होगी यानी ये पांच अदवार का जिक्र मौजूद है इस्लाम का मुबारक दौर उसके बाद खलफा राजदीन का दौर फिर काट खाने वाली मलूकियत फिर जाबिर हुक्मरान और पांचवा दौर जो अल्टीमेट खिलाफत राशि वापस आएगी आज हम जिस एरा में हैं हम माजी में जाके ये अदवार गिनवा सकते हैं नबीलाम का मुबारक दौर 11 हिजरी में मुकम्मल हुआ उसके बाद 30 साल खिलाफत रही सुलह हसन 41 हिजरी में हुई एग्जैक्टली 30 ईयर्स के बाद दूसरा दौर भी खत्म हुआ 41 हिजरी से बनु उमैया की मलूकियत शुरू हुई काट खाने वाली मलूकियत वो ऑलमोस्ट नब्बे साल तक रही फिर दूसरी सदी हिजरी के अंदर बनु अब्बास का गलबा हुआ वो भी काट खाने वाली मलूकियत ही थी लेकिन एक दूसरे खानदान की और वो सिलसिला कई सौ साल तक जारी रहा और इसमें मुसलमानों पर परुजो जवाल का सिलसिला रहा आपस में भी मलूकी हुई यह सब कुछ होता रहा इसी दौरान जो मुसलमानों पर तातारियों का एक आजमाइश वाला मामला हुआ उसके बाद दोबारा से अल्लाह तक ने गलबा दिया उस्मानियों के जरिए से तातारियों ने ही हक कबूल कर लिया और फिर अल्टीमेटली ये जो मलूकियत है इसका खात्मा हुआ और जाबिर हुक्मरान मुसलमानों के ऊपर मुसलत हुए जो जबरदस्ती हुक्मरान बन गए यानी कलोनियल पावर्स कहीं पर फ्रेंच आ गए कहीं पर ग्रेट ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया और ये जाबिर हुक्मरान बिल आखिर काफी हद तक मुसलमानों से टल गए वर्ल्ड वार टू के बाद जब मुसलमानों के दोबारा से अब ऑलमोस्ट फिफ्टी एट मुल्क बन चुके हैं वरना अगर आप वर्ल्ड वार वन के करीब देखें तो एक सल्तनत उस्मानिया ही बची थी वो भी ख़त्म हो गई सब कॉन्टिनेंट पे तो ग्रेट ब्रिटेन का कब्जा पहले ही हो चुका था फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मुल्क बनने शुरू हुए इंडोनेशिया मलेशिया मिसर यहाँ पे पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान में से ही बांग्लादेश भी निकला अफग़ानिस्तान भी काफ़ी हद तक मामला बेहतर हुए ईरान ईरान तो खैर पहले भी उस तरीके से महकूम नहीं हुआ था लेकिन बहरल इनकलाब तो नाइनटीन नाइन में आया इस तरीके से दूसरे जो अरब मुल्क हैं वो भी आजाद हुए अफ्रीका में कितने अरब मुल्क बन गए यानी कलोनियल पावर्स का जो एक गलबा था वो ढीला पड़ा अब ये जो एरा है ये खिलाफत आलामिन हाजिर नबुआ जो दोबारा कायम होनी है उसकी तरफ जा रहा है यानी एक ट्रांजिशन पीरियड है यानी ये तो नहीं होता कि आप रात को सोएं और एक एरा खत्म हुआ है और दूसरा शुरू हो जाए आहिस्ता आहिस्ता उसमें कन्वर्ट होता है उसकी तरफ अब ये मामला रवा दवा है अब वो अल्लाह की मर्जी है कि वो 100 साल में वहां तक बाद पहुंचे या 500 साल में पहुंचे या एक हजार साल में पहुंचे बहरल ये अब आखिरी दौर की तरफ हम जा रहे हैं बाकी सारे अतवार हम देख चुके हैं मुस्द अहमद में एक और हदीस है नबीलाम ने फरमाया कि क्यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक के दुनिया के हर घर में मेरी दावत पहुंच ना जाए और लोग चाहते हुए या ना चाहते हुए उसे कबूल ना कर लें। आज सोशल मीडिया की बरकत से इंटरनेट की बरकत से यह बात समझना आसान है कि दुनिया के हर कोने तक इस्लाम की हकीकत पहुंच चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। शायद चंद एक कोई जंगलात बाकी रह गए हो अदरवाइज जितनी भी सिविलाइज जगह हैं वहां पर यह हक खुल चुका है इस हवाले से मुसलमानों का रिलीजन लोगों में इंट्रोड्यूस हो चुका है और खसूस जब से ये पिछले साल सात अक्टूबर दो हजार तेईस से इसराइल का और हमास का कंफ्लिक्ट शुरू हुआ उसके बाद से तो पूरी दुनिया की खबरों में मेन खबरों में ये चीजें डिस्कस होती हैं बनी इसराइल वर्सेस मुस्लिम्स जूस वर्सेस मुस्लिम्स और उससे ज्यादा रिलीजन वाला मामला सबके सामने आ रहा है तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इस हक को पूरी दुनिया तक इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से पहुंचा दिया है अब जिसकी मर्जी वो मजीद तहकीक करे और हक की तरफ आए ग्यारह सितंबर दो हजार एक के बाद जिस तरीके से मुसलमानों पर पाबंदियां लगाई गई अल्लाह तला ने उस शर्म से भी खैर निकाला और नॉन मुस्लिम्स को इस्लाम का तारुफ हुआ उसके बाद तो बहुत तेजी से लोग इस्लाम को स्टडी करके पर्पज ऑफ लाइफ तक पहुंचे खुदा का तारुफ हुआ लोगों को और कुरान को स्टडी किया हकबाद हाँ को कबूल किया हर में से कोई ना कोई खैर निकलता है अभी ये फलस्तीन वाले जो मामलात हुए इसके बाद कई लोगों ने इस्लाम कबूल किया एटलीस्ट यूरोप अमेरिका में लोगों के दिमाग खुले हुए हैं वो जब किसी तहकीक में पढ़ते हैं तो कोई ना कोई रिजल्ट जरूर निकाल लेते हैं और जो हक के मुतलाशी हैं वो हक तक पहुंच जाते हैं सोना नबी दाऊद के अंदर और मुस्ंद अहमद के अंदर कई एक अहदीस है कि नबीसलाम ने फरमाया क्यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि मेरी बेटी फातमा की औलाद में से एक शख्स ना पैदा हो जाए मेरे ही नाम पर जो पूरी दुनिया को इंसाफ से भर देगा इमाम मोहम्मद महदी इस्लाम से मुतल बारह सय्सनाद अहादीस मैंने मुख्तलिफ वीडियोज में कवर की हैं आलमोस्ट कोई एक डेढ़ साल पहले जब बनु मैया के एक बंदर ने इमाम महदी की गुस्ताखी की थी तो मैंने दोबारा से उस चीज को डिस्कस किया था इमाम महदी की गुस्ताखी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा लिखे तो वो सारी अहदीस उस लेक्चर के अंदर मैंने बयान की हुई है बुखारी और मुस्लिम में भी इशारता मौजूद है नबीर इस्लाम ने फरमाया तुम्हारी उस वक्त क्या शान होगी कि जब ईसा इबन मरियम तुम में उतरेंगे स्लीब को तोड़ देंगे खंजीर को कत्ल कर देंगे और जिजिया मौकूफ कर देंगे और पूरी दुनिया में अमन होगा और वो आदिल हुक्मरान की हैसियत से मुसलमानों में उतरेंगे और तुम्हारी उस वक्त क्या शान होगी कि जब तुम्हारा इमाम तुमी में से होगा अब ये इमाम का तर्जुमा दो तरह से किया गया है एक तर्जुमा यह किया गया कि जो मुसलमानों का अमीर है उसके पीछे हजरत ईसा मरीम नमाज पढ़ेंगे क्योंकि मुस्लिम शरीफ में आता है कि एक आमत हो चुकी होगी मुसलमानों का अमीर कहेगा कि आप नमाज पढ़ाएं तो वो कहेंगे कि नहीं ये फजीलत उम्मत मोहम्मदिया को अल्लाह ताला ने दी है तुम में से बाजब के इमाम होते हैं मैं तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ूंगा और इमाम का एक तर्जुमा यह भी किया गया कि तुम्हें गाइड करने वाली चीज तुम्ही में से होगी यानी कुरान और सुन्नत क्योंकि वो भी इमाम है यानी वो तुम्हारी शरीयत के मुताबिक चलेंगे वो नई शरीयत नहीं लेके आएंगे वो उम्मती बनकर आएंगे उम्मती नबी नहीं बन के आएंगे उम्मती बनकर नबी वो पहले से है यही दाली धोखा दिया गुलाम अहमद कादियानी ने कि उसने कहा कि जब आप लोग बनी इसराइल से एक उम्मती नबी उधार ले रहे हैं तो मैं तो खुद रसुल्ला की उम्मत से हूं तो मुझे क्यों नहीं ले रहे मेरी खिदमत हासिल करें तो हमने बनी इसराइल से कोई उधार नबी नहीं लिया वो उम्मती नबी नहीं है बल्कि वो नबी पहले से हैं उम्मती बन आएंगे नबूत छीनी नहीं होगी नबी उम्मती हैं वो उम्मती नबी नहीं है ये अल्फाज के फर्क से इस दज़ल को एड्रेस किया जा सकता है तो वो कोई उम्मती नबी नहीं है वो नबी है जो उम्मती बन कराएंगे इस उम्मत में वो नबी की हैसियत से नहीं बल्कि दीन के मुजद की हैसियत से एक पॉलिटिकल मुसलमानों के लीडर की हैसियत से आ रहे होंगे शरीयत वही है क्योंकि सही मुस्लिम में जब यह हदीस आती है ना कि ईसा इबन मरियम तुम में उतरेंगे और तुम्हारा इमाम तुम में से होगा मुसलमानों का अमीर नमाज पढ़ाएगा ईसा इबन मरियम उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे तो आगे रावी हदीस के अल्फाज हैं वो तुम्हें अल्लाह की किताब और तुम्हारे नबी की सुन्नत के मुताबिक चलाएंगे ये सही मुस्लिम में 394 नंबर हदीस है स्टार्ट ही में तो उसमें ये मुकदमा बिल्कुल क्लियर है बाकी ईसा इब्ने मरियम का दुनिया में आना इसके हवाले से कुरान सुनत के दलाइल वो मैं अलग से वीडियोज में जिक्र कर चुका हूं क्लासेस मुतमिल नहीं है कि हम उसकी तफसील में जाए क्योंकि यह टॉपिक इसके साथ जुड़ा हुआ था कि मुसलमानों पर तीसरा उरूज आना है इमाम मोहम्मद महादी के जरिए और उसमें भी जो एक क्रिटिकल इशू है द जाल को कतल करने का चूंकि वह फितना बहुत बड़ा होगा उसके लिए एक गैर मामूली इंसान की जरूरत है इमाम मोहम्मद महादी दज्जाल को कत्ल करने पर गालिब नहीं होंगे अल्लाह ताला ईसा ने मरियम के जरिए उस दज्जाल को कत्ल करवाएगा अल्लाह चाहे तो किसी चिड़िया से भी करवा सकता है लेकिन यह अल्लाह ताला ने एक अपना प्लान बनाया है कि जो झूठा मसीह है उसको कत्ल करने वाला सच्चा मसीह होगा और ज्यूस के ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से अजाब का आखिरी कोड़ा मरियम खुद बरसाएंगे क्यों जब कभी भी नबियों का इनकार हुआ है जो रसूल बनकर आते थे सिंपल नबी नहीं रसूल तो अल्लाह ताला की तरफ से अजाब आता था ऊपर अजाब आया कौम आद पे कौम समूद पे खुद हमारे नबी के केस में जिहाद और किताल के जरिए अल्लाह ताला ने कुफारे मक्का के ऊपर और मुश्किन अरब के ऊपर और रोमन और पर्शियंस के ऊपर अजाब मुसलत किया जो सूर्य अतौबा अत के अंदर रिपोर्ट हुआ क्या मुसलमानों तुम्हारी तलवारों के जरिए अल्लाह तला इन पर अजाब भेजेगा ईसैब ने मरियम का भी इनकार किया था ज्यूज ने वहां पर अल्लाह ताला ने ईसैब ने मरियम को तो बचा लिया लेकिन दुनिया में बाकी नहीं रखा आसमानों पे उठा लिया अगर दुनिया में वो बाकी रहते तो वही सुन्नत रिपीट होती कि सिर्फ उनके साथ ही बचाए जाते हैं बाकी सारे के सारे जूस तबाह कर दिए जाते ये अल्लाह ताला की सुन्नत का तकाजा था कि कोई दुनिया में यहूदी बाकी ना रहता क्योंकि उन्होंने वक्त पैगम्बर का इनकार किया था नूअल इस्लाम के मुखालफीन भी तो हजारों में थे सिर्फ अठहत्तर बंदे बचाए गए यहां पर भी हजरत ईसा इस्लाम के मखालफी ने तबाह बर्बाद होना था लेकिन यहां पर अल्लाह तला ने ईसा एब मरियम को बचा लिया दुनिया में बाकी नहीं रखा वो दोबारा आएंगे कुर्ब क्यामत में दूसरी तरफ यहूदियों को भी बाकी रखा उन पर वक्तन फवक्तन अल्लाह तला ने अजाब के कोड़े भेजे और यह भी कुरान में जिक्र है कि मैं क्यामत तक तुम पर वक्तन फवक्तन ऐसे अजाब मुसलत करता रहूंगा ऐसे लोग मुसलत करता रहूंगा जो तुम्हें अजाब देते रहेंगे क्योंकि तुमने ईसा ने मरियम का इनकार किया अब आप सोच रहे होंगे कि ये ईसा अपने मरियम के इनकार के ऊपर अल्लाह का इतना गुस्सा क्यों है इनकार तो और पे का भी हुआ था लेकिन वो यकमुश्ती खत्म हो गए उनके मुखालफी यानी ये तो नहीं हुआ कि नू असलाम के, के मुखालफिन कुछ जिंदा रखे गए हों कुछ मार दिए गए हों फिर वक्ता वक्तन उनकी नस्लों पर भी अजाब आता रहे या कौम समूत कौम आद ये ज्यूस के साथ ऐसा क्या हुआ है यक मुश्त अल्लाह ने खत्म नहीं किया और क्या मत तक अजाब आएगा ये कुरान में लिखा हुआ है। उसके पीछे रीजन ये है कि बाकी सब लोग आसमानी मजाब के मानने वाले नहीं थे बुधप्रस्त थे ज्यूस जो है ना वो तो क्लेम करते थे कि हम पैगंबरों के मानने वाले हैं हम इब्राहिमी हैं इसलिए इन्हें सजा बड़ी मिली है कि तुम पैगंबरों के मानने वाले होने के बावजूद तुमने हमारे उलुल अजम पैगंबर साहब ने मरियम का इनकार किया तुम्हारी नस्लें भी अब अजाब भुगतेंगी अगर वो हक के रास्ते पर नहीं आती वैसे ये हुआ है कि चंद एक खुश नसीबों ने बाद में हक कबूल कर लिया लेकिन ओवरऑल रविश इनकी आज तक वही है इसलिए वक्तन वक्तन इन पर अजाब के कोड़े आए एक तो कुछ अरसे बाद ही आ गया 33 ईसवी में ईसाब ने मरियम को उठाया गया 70 ईसवी में ऑलोस्ट थर्टी सेवन ईयर्स के बाद टाइटस ने उन पर हमला किया जो हमने पिछली दफा डिस्कस किया था योरशलम तबाऊ बर्बाद कर दिया हैकल सुलमानी जो दोबारा तामीर कर लिया था इन्होंने हजरत उजैराम के जरिए जो उरूज मिला उसके बाद इस दूसरे जवाल के अंदर वो टेम्पल भी टूट गया जो दोबारा बनाया था एक दीवार उसकी सलामत है वेलिंग वॉल जिसके सामने वो गिरिया करते हैं यू करके तोरात रात पड़ रहे होते हैं और अब उन्होंने तीसरा टेम्पल तामीर करना है और उनका है कि वो जब तामीर होगा उसके लिए रेड हाइफर्स भी आई वो सुर्ख गायें जो पांच चल पड़ी थी और मुसलमानों को हाथ पांव पड़ गए कुरानों दी से इनको कभी कोई वहीद नहीं समझ आई है वो उन्होंने पांच गाय ले ली हमने उस वक्त भी कहा था कुछ नहीं होगा और अल्लाह का शुक्र अप्रैल गुजर गया फिर मई भी गुजर गया अब ये आज अठारह अगस्त दो हजार चौबीस है वो तो मामला तो वहीं पर रुका हुआ है बहरअल वो तीसरा जब टेम्पल तमीर करेंगे उनका नजरिया है कि फिर हमारा मसीहा आएगा और वो मसीहा जिसका वो इंतजार कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट दो हजार साल पहले आके जा चुके हैं ईसा एब ने मरियम अब जब वो दोबारा आएंगे ना तो वो इनके जाली मसीहा को कत्ल करने आएंगे इसलिए देखें दजाल को अभी मसीह कहा जाता है मसीह द यानी दजल वाला मसाया झूठा मसाया और सच्चे मसीह कौन है यस्सू मसीह ईसा इब्ने मरियम वो सच्चे मसीह हैं वो झूठा मसीह है मसाया वो भी है वो सही मुस्लिम में आता है उसके हुक्म से आसमान बारिश बरसाएगा खेतियां उगेंगी बुखारी मुस्लिम में आता है कि वो लोगों को कत्ल करके जिंदा भी कर लेगा तो काम तो वो हजरत ईसा वाले कर रहा होगा लेकिन वो झूठा मसीह वो आजमाइश है मुसलमानों के लिए सच्चे मसीह जो है वो ईसा ने मरियम है फैसला कब होगा जब ईसा एबन मरियम उसे कत्ल करेंगे लुदनामी गांव के पास नेजा मार के ईसा एबन मरियम की सांस से वो पिघलेगा ये प्रैक्टिकली एक अनाउंसमेंट होगी कि सच्चा मसीह वो है जिसने कत्ल कर दिया उस झूठे मसीह को अगर वो मसीह सच्चा होता तो वो गालिब आता ना द जाल का मغلوب हो जाना ईसा ने मरियम के हाथों ये इस बात का सबूत है कि ये सच्चे मसीह है और वो आखिरी किस्त है जो यहूदियों पर आनी है और उस किस्त का मुशायदा खुद ईसा ने मरियम भी करेंगे ताकि अल्लाह की वो सुन्नत उसी तरीके से कायम रहे कि अल्लाह ताला अपने पैगंबरों को उनके मुखालफी का अजाब उनकी नजरों के सामने दिखाता है और वो अल्लाह ताला दिखाएगा वो तो बुखारी मुस्लिम में आता है कि अगर किसी पत्थर के पीछे भी कोई यहूदी छुपा होगा ना या दरख्त के पीछे तो वो पत्थर और दरख्त भी बोलेगा ए मुस्लिम मेरे पीछे यहूदी है इसे कत्ल कर दे सवाए गरकत के दरख्त के वो यहूदियों का दरख्त है वो उन्हें पना देगा बहुत बड़ी एक झाड़ी होती है वो कई बंदे भी उसमें छुप जाए तो नजर नहीं आते और वो एक कमाल की झाड़ी है जो रेगिस्तान में उसी इलाके में उगती है जिसकी काश्त उन्होंने बहुत ज्यादा की हुई है और वो यहूदियों का दरख्त है एक झाड़ी नुमा दरख्त जो उनकी हिफाजत करेगा बाकी हर दरख्त हर पत्थर बोलेगा और ये मैदान जंग में हो रहे हैं आम हालत में नहीं क्योंकि अल्लाह तला ने फिर फैसला कर लिया उनके लिए कि भाई इन्होंने चूंकि अब हाथ कबूल नहीं किया इन पर अल्लाह तला की तरफ से अजाब की आखिरी किस्त आनी है लिहाजा ईसाइब ने मरियम का दुनिया में आना इसके पीछे टेक्निकल रीजन यह है कि उन्होंने अपनी मुखालिफ कौम का अजाब अपनी जिंदगी में नहीं देखा था जो बाकी रसूलों ने देख लिया था इसलिए वो दोबारा दुनिया में आएंगे और अजाब की आखिरी किस्त उनके हाथों से होगी और वो अल्लाह ताला की सुन्नत स्टैब्लिश हो जाएगी कि ईसा ने मरियम और उनके मानने वाले बचा लिए जाएंगे क्रिश्चियंस और मुसलमान क्रिश्चियंस भी इस्लाम कबूल कर लेंगे वो सूर्य अनिस आया कि अहले किताब में से कोई भी नहीं बचेगा मगर ये कि वो ईसाब ने मरियम की मौत से पहले उन पर ईमान ले आएगा चालीस साल तक दुनिया में रहेंगे शादी करेंगे उनके बच्चे होंगे फिर वो फौत होंगे मौत उन्हें भी आनी है और फिर वो वह इस्लाम की कब्र मुबारक के साथ दफन होंगे ये तमाम चीजें अदीस में मौजूद हैं मैंने तफसील से कई दफा वीडियोज में रिकॉर्ड करवा दिया अब लिखे ने मरियम दुनिया में दोबारा आएंगे हयात मसीह नजूल मसीह तो मेरी वो वीडियोज खुल जाएंगी जिनमें मैंने सारी अहदीस को डिस्कस किया बहरअल ये हिकमत खुल गई कि ईसीबन मरियम ने दुनिया में क्यों आना है दूसरा यहूदियों पर अजाब की मुसलसल किस्तें क्यों है एक ही दफा अल्लाह ने इनको खत्म क्यों नहीं कर दिया उसके पीछे रीजन ये है कि चूंकि वो नबियों के मानने वाले थे नबियों का नाम लेकर उन्होंने गद्दारी की इसलिए अजाब की किस्तें उन पर आती रहेंगी टाइटस ने सत्तर ईस्वी में किया उसके बाद भी क्रिश्चियंस ने बड़ा मुश्किल टफ टाइम दिया इनको और ये पिछली सदी में तो हमने इतनी बड़ी अजाब की किस्त देखी कि साठ लाख यहूदी कत्ल हुए हिटलर के हाथों वर्ल्ड वार टू के अंदर भालुकास्ट जिसे कहते हैं उसमें हिटलर का जुर्म अपनी जगह है लेकिन इनके ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश आई और आज भी जो ओरिजिनल ज्यूज हैं वो तो रियासत इसराइल के भी खिलाफ हैं वो कहते हैं ये अल्लाह ताला ने हमें अजाब दिया हुआ है हमारी जब तोबा कबूल होगी अल्लाह ताला खुद हमें योशलम की जमीन वापस कर देगा इसलिए वो जाइनस्ट मूवमेंट को सही नहीं समझते इसलिए आप देखते हैं वो जो प्रैक्टिसिंग यहूदी हैं जिनकी लंबी लंबी दाढ़ी है बिल्कुल अहले हदीसों की तरह और लंबे लंबे बाल रखे हुए हैं उन्होंने और वो कैप पहनी हुई है उन्होंने बड़ी बड़ी और उनके आप देखे सारे वो देखने में लगते ही नहीं है मतलब कि वो मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है वो सिर्फ बालों से पहचाने जाते हैं अदरवाइज दाड़ियां है, बिल्कुल हमारी तरह उनकी नजर आ रही होती है सुची दाड़ियां वो सारे तो फिलिस्तीन का झंडा लगा के इसराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं अमेरिका में यूरोप में क्योंकि वो जाइनस मूवमेंट के खिलाफ है वो कहते हैं ये लोग शरीयत के खिलाफ चल रहे हैं और किसी हद हाँ तक उनका मौके दुरुस्त है क्योंकि यहूदियों ने तो हजरत मुसेल इस्लाम जब दुनिया में मौजूद थे उस वक्त याद नहीं किया था तो अब उन्होंने याद कहां से करना है तो इसलिए वो याद और किताल वाला मामला कर ही नहीं सकते ये तो कमाल की गेम की है जायनिस मूवमेंट ने कि किस तरीके से उन्होंने बाल फोर डिक्लेरेशन करके वो यहूदी जो कई सौ साल से यूरोप में वो स्टेटस गुजार रहे थे जो हमारे पड़ोसी मुल्क में शूदरों का भी नहीं उससे भी कम तर इनकी बस्तियां अलग होती थी और उन्हीं बस्तियों के कॉर्नर पे सारे क्रिश्चियंस अपना कूड़ा करकट फेंकते थे ऊंची ऊंची दीवारें बनाई हुई होती थी उनके अंदर ये जिंदगी गुजारते थे और इनके ऊपर जरूरी होता था हर एक ने अपने बाजू के ऊपर डेविड स्टार वो छे कोनों वाला लगा के रखना ताकि दूर से पता चल जाए कि यहूदी इससे दूर रहना है अछूत के तौर पे डील करते थे इन्हें इन्हें अच्छा नहीं समझते थे इतवार वाले दिन तो इनपे निकलने पे भी पाबंदी होती थी यानी जो कुछ आपके मुल्क में कादियानियों के साथ किया जा रहा है ना ये तो शाही कोई नहीं जो क्रिश्चियस ने यहूदियों के साथ किया आज हम जिस एरा में ये जरा आपको चेंज नजर आ रहा है कि जूज और क्रिश्चियंस की दोस्ती हो चुकी है मफादात की खातिर ये पोस्ट वर्ल्ड वार वन है और उसमें भी पोस्ट वर्ल्ड वार टू जिसके बाद उन्होंने इन पर तर्स के इन्हें इसराइल की रियासत दे दी और एक नई मुसीबत खड़ी कर दी मुसलमानों के लिए जो आज तक हम भुगत रहे हैं वरना सुलूक इनके साथ बहुत बुरा होता था जाहिर है कि ईसा ने मरियम क्रिश्चियंस के नजदीक खुदा या खुदा का बेटा और ज्यूस कहते थे ये दज्जाल है आउट ऑफ वेडलॉग पैदा हुआ हुआ है नाउद बिल्ला मुझे बताएं वन एटी डिग्री अकायद और नजरियात हो एक शख्स को एक पार्टी खुदा माने में और दूसरी पार्टी कह रही है कि तो ये आम इंसान भी नहीं है ये तो आउट ऑफ वेडलॉक पैदा हुआ हुआ है नाउदुबिल्ला तो इनका आपस में इतफाक हो ही नहीं सकता ये तो गुस्ताखी से भी कोई अगले दर्जे की कोई चीज है उससे भी ज्यादा कोई बुरी चीज है गुस्ताखी का तो वर्ल्ड ही छोटा है लेकिन ये मुफादात की खातिर पॉलिटिक्स और ये सारा कुछ हुआ फिर जाहिर है कि अठारहवीं उन्नीसवीं और बीसवीं सदी के अंदर बेसिक ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी इस किस्म की आवाजों की वजह से फिर लोगों ने वो जो सख्त मजहबी रवैये थे उन्हें पीछे रख के तो अकामोडेट किया एक दूसरे को ये आज आपको बताया जाता है कि दुनिया की मैशत यहूदियों के कब्जे में है दुनिया की गरीब तरीन कौम थी यह ये एक रॉस चाइल्ड इनमें एक बच्चा समझदार पैदा हुआ आज से कोई तीन चार सौ साल पहले और उसने कारोबार शुरू किया है ईमानदार था करते करते बैंकिंग का निजाम फिर उसने सबको साथ मिलाया पूरी दुनिया के बैंक इनके कब्जे में है अदरवाइज ये तो एक समझ लें तीसरे दर्जे के जो शहरी है ना उनसे भी बुरा वक्त ये गुजार रहे थे इस दुनिया में इन्होंने बहुत मुश्किल वक्त देखा आज हमें इतनी इनकी रौनक नजर आ रही पूरी दुनिया में दौलत के एतबार से भी शोहरत के एतबार से भी ताकत के एतबार से भी यह ऑलमोस्ट समझ लें पिछले सौ साल की गेम है जिसमें यह दुनिया की पॉलिटिक्स में ऊपर आए और दौलत के एतबार से भी बमुश्किल ढाई तीन सौ साल की गेम है इससे पहले ये लोग इसी तरीके से गरीब ही थे तो यह सारी हिस्ट्री मालूम होना जरूरी है अब अगली आयत के अंदर अल्लाह ताला ने ऑफर दी है ज्यूस को कि अभी भी वक्त बाकी है अगर तुम तौबा करना चाहो तो हम तुम्हें यह गिला नहीं करेंगे कि तुम जूनियर मुसलमान हो और दूसरे सीनियर मुसलमान है अल्लाह ताला तुम्हें कबूल करने के लिए तैयार है है वो बेचारे सीनियर ही थे लेकिन हरकतों की वजह से जूनियर हो गए ना सीनियर थे जो सीनियर मुसलमान है उस वक्त जो हजरत ईसाब ने मरियम कौन है में से उनका इनकार करके ये जूस जो है वो काफिर हुए अदरवाइज इनकार ना करते तो सीनियर ही रहते उस वक्त तक भी सीनियर थे जैसे ही ईसा ने मरियम का इनकार किया अकड़ में आ गए कि ये नौजवान लड़का इसकी पैरवी हम क्यों करें इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी दाड़ियों वाले लोग बैठे हुए थे उन्होंने ये नहीं देखा कि भाई वो पैगंबर है तुम तो सिर्फ ओल्मा हो जिनका काम पैगंबरों की लेगेसी को आगे लेके चलना है और जब पैगंबर दुनिया में आ जाए फिर तुमने लीडरशिप छोड़ देनी है फिर मुसल्ला आके पैगंबर ने संभालना है लेकिन उन्होंने अपनी मसद नहीं छोड़ी जगीलोखार हो गए ना सिर्फ ईसा ने मरियम के साथ ये किया खुद हमारे महबूब इस्लाम के साथ भी किया उधर तो उनके पास और स्ट्रांग बहाना आ गया ना कि नबील इस्लाम बनी इसराइल में से आई नहीं है नबील इस्लाम तो बनू इसमाइल में से थे ईसा ने मरियम के केस में यह बहाना भी नहीं था वो तो बनी इसराइल में से थे उन्हें भी कबूल नहीं किया नबी इस्लाम को भी कबूल नहीं किया इसलिए वो तबाह बर्बाद हो गए अब आ जाए उस आयत की तरफ आयत नंबर आठ अब रजीम बिस्मिल्लामीम आसा रब करीब है कि तुम्हारा रब तुम पर अब भी रहम फरमाए वह इन तुम रोधना अगर तुमने फिर सरकशी की तो फिर हम तुम्हारे साथ वही सलूक करेंगे यानी अभी भी टाइम है नबी इस्लाम दुनिया में आ चुके हैं दो उरूज दो जवाल तुम देख चुके हो अब भी तुम्हें उरूज मिल सकता है अगर तुम हक हाँ का रास्ता इख्तियार करो लेकिन अभी भी अगर तुम बाज ना आए तो हम फिर लौटेंगे और यही हुआ कि बाज नहीं आए और फिर अल्लाह तला ने मुसलसल उन पर अजाब के कोड़े बरसाए जो क्या तक बरसते रहेंगे जालना जहन्नम लिलका फिरीना हसीरा और हमने बना दिया है जहन्नम को काफिरों के लिए कैद खाना बोले आज बिल्लाजरना अगर वह हक कबूल कर लेते तो अल्लाह तला ने उन्हें एक्सेप्ट कर लेना था लेकिन ऐसा नहीं हुआ इन नाज अल क्र अगर तुमने हक कबूल करना है तो बेशक ये है कुरान अकवम जो के रास्ता दिखाता है वो जो के बिल्कुल सीधा है व युबिर और बिशारत सुनाता है अहल ईमान को अल्लादीन सोलिहात वो अहल ईमान जो नेक अमाल करते हैं सिर्फ ईमान लाना काफी नहीं है सिर्फ अल्लाह को मानना काफी नहीं अल्लाह की भी माननी है नेक अमाल भी इख्तियार करने हैं अनुम कबीरा के उनके लिए बहुत ही बड़ा है। आमीन वीन बिल आखिरा और यह कि जो लोग आखिरत के दिन के ऊपर ईमान नहीं लातेनाजाबन अलीमा उनके लिए तैयार किया गया है दर्दनाक अजाब अल्लाज आमीन यहां पर यह पहला रुकू मुकम्मल हुआ और जहरा एक पूरा टॉपिक कंक्लूड हो गया अब अगले रुकू में इंसानी नफसियात से मुतलिक और उसमें भी फिक्र आखिर के हवाले से इंसान को अल्लाह तला ने तवज्जो दिलाई है विखीर और आदमी बुराई का सवाल करने में भी जल्दी करता है जिस तरह के खैर मांगने में यानी इंसान की फितरत का जिक्र हो रहा है कि बुराई भी अपने हक में जल्दी मांग लेता है जिस तरह इसे खैर मांगने की जल्दी होती है इसको दो हवाले से आप समझ सकते हैं तवील खास के अतबार से तो यह है कि इंसान की आदत है कि बड़ी जल्दी मायूस हो जाता है और फिर खुद अपने आप को बदवाएं देना शुरू कर देता है कि ठीक है या खत्म कर दे मुझे इस मामले को खत्म कर दे मौत आए जान छूटे बजाय यह कि वह मुसीबत पर सब्र करे और दूसरा एक्स्ट्रापोलेट करें तो मुशरकिन अरब की तरफ भी इशारा है कि वो वह नबीम की तरफ से जब धमकियां सुनते थे कि ईमान नहीं लाओगे तो बड़े दिन का अजाब आएगा तो कहते थे कि ठीक है या अल्लाह फिर अजाब भेज देखी जाएगी तो इंसान की आदत है कि वो जिस तरह खैर मांगने में जल्दी करता है बुराई के लिए भी जल्दी करता है वकानल इंसान अजूला और आदमी बहुत ही जल्दबाज वाक हुआ है यानी इंसान में जल्दबाजी की एक आदत है और हमने बना दिया रात को और दिन को दो बड़ी निशानियां ये अल्लाह तला की कुदरत की निशानियां हैं दिन और रात का आना जाना पूरा टाइम और शेड्यूल इसी के ऊपर चल रहा है इंसान के साथ जो अल्लाह ने कमजोरी अटैच कर दी है ना कि 24 घंटे में एक दफा आराम ना ना करे अगले चौबीस घंटे में वो परफॉर्म नहीं कर सकता इसके अगेंस्ट मशीने कई कई साल तक मुसलसिल चलती हैं तब जाके कहीं शट डाउन उसका किया जाता है कई ऐसी मशीनें भी हैं साल तक तो चलने वाली कई चीजें हैं अब ये जो टर्वाइने आपकी चल रही हैं डैम्स की पूरा पूरा साल चलती रहती हैं बीच में थोड़ी देर के लिए शटडाउन उनका वो कूलेंट वगैरह चेक किया जाता है बाकी ऑयल ये सब कुछ और उसके बाद दोबारा चला देते हैं इसी तरीके से जो केमिकल प्लांट्स हैं कई कई महीनों तक मुसलसल चलते हैं इंसान तो 24 घंटे से ज्यादा नहीं चल सकता हद 48 घंटे उसके बाद वो गिर पड़ेगा जब तक आप उसकी नींद को पूरा नहीं करते और नींद तो एक फैक्टर है खाना पीना भी और सिर्फ खाना पीना नहीं टॉयलेट भी ये भी उसके साथ जुड़ी हुई है चीज और सिर्फ टॉयलेट का इशू नहीं थकावट भी एक खास हद तक वो काम कर सकता है अब इंसानियत ने लर्न किया कि मुसलसल इंसान कंसंट्रेशन से मुश्किल से आठ घंटे तक काम कर सकता है इसलिए मजदूरों के लिए आठ घंटे डिफाइन किए गए और बाहर के मुल्कों में तो हफ्ते में दो छुट्टियां हमारे मुल्क में तो एक छुट्टी भी चूंकि लोग आदि हो चुके हैं अदरवाइज हफ्ते में दो छुट्टियां तो ये दिन रात के सिस्टम से सब कुछ चल रहा है दो निशानियां अल्लाह तहता है ये हमारी हैं रात और दिन फर्म आईल तो हमने रात की निशानी को तारीख बनाया वजालना आयतन नहारी मुभ से रा जबकि जो दिन की निशानी है इसे हमने रोशन बनाया है उसमें आप काम करते हैं आप जरा देखें रात के वक्त अगर आपको काम करना पड़े किसी गाड़ी के नीचे घुस के तो नीचे आपको लाइट लेके जानी पड़ती है और अल्लाह ताला ने सूरज बाहर लगाया हुआ है इतनी बड़ी लाइट है कि दिन के वक्त भी नीचे कोई लाइट लेके नहीं गाड़ी को ठीक कर रहा होता सीधे घुस जाते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट ही इतनी होती है तो बेसिकली दिन जो मुफ्त की रोशनी आपको दे रहा है ये आइडियल टाइम है काम करने के लिए जिन इलाकों में छह महीने का दिन या छह महीने की रात है वहां तो शेड्यूल उन्होंने उस एतबार से किया हुआ है लेकिन जाहिर है कि वो एक मुश्किल उनके लिए अमर है क्लॉक से उन्होंने मैनेज किया हुआ है अदरवाइज आइडियल यही है कि दिन के वक्त काम किया जाए और रात के वक्त नींद आप तो साइंस हमें बता रही है कि सिर्फ घंटे पूरा करना मकसद नहीं है दिन के आप छह घंटे सोए और रात के वक्त डेढ़ दो घंटे तो वो ज्यादा बेनिफिश है आपके लिए एज कंपेयर टू दिन के आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव होती है मेडिकली बीमारियों से लड़ने की सलाहियत जिसम की इंप्रूव होती है जो लोग रात को आराम करते हैं ये नेचुरल सिस्टम अल्लाह ताला ने रख दिया तो दिन को रोशन बनाया ली तब फ रब भी कुम ताकि तुम अपने रब का फजल तलाश करो यानी मेहनत मजदूरी करो रिजके हलाल कमाओ उसके लिए अल्लाह तला ने दिन को रखा है वाली आमू आन हिसाब ताकि तुम बरसों की गिनती और हिसाब जान सको दिन रात के जरिए अल्लाह ताला इंसान को एक शेड्यूल देता है फिर चांद के घटने और बढ़ने से जो सूर्य यूनुस में आया कि ये एक कैलेंडर ही है जो अल्लाह ताला ने आसमान में टांग दिया आपको अंदाजा हो जाता है कि अब ये पूरा चांद हो गया है तो ये चौदहवीं है आधा हो गया है तो सात तारीख हुई है और उस तरफ आधा है तो इक्कीस तारीख हो चुकी है इस तरीके से फिर दिन को भी सूरज के साय से सूरज की लोकेशन से आप टाइम का अंदाजा लगा सकते हैं के बगैर भी वकुल्ला शई इन फसल तफसीला और हमने हर चीज खूब वाजे करके जाहिर फरमा दी है वकुल्ला इंसान इन अलाहकी और हर इंसान की जो किस्मत है उसका जो नाम है आमाल है वो हमने उसके गले में लटका दिया है नुख रिजू लहू यऊ मल और फिर क्यामत वाले दिन हम उसे निकाल लेंगे किताबाह मंशूरा एक किताब जिसे वो अपने सामने खुला हुआ पाएगा वल्लम अब इसके पीछे क्या अल्लाह तला की डिवाइन प्लानिंग है कि अल्लाह तला कह रहा है कि हर शख्स के गले में हमने उसकी तकदीर उसका नामाया माल जहरा तकदीर तो अल्लाह ताला के इल में पहले से है जो साथ साथ कर रहा है वो भी एक किताब मुरतब हो रही है वो गले में लटकी हुई है ये अल्लाह के इल्म है कि ये फिजिकली कोई ऐसी चीज है गले में कोई ऐसा ग्लैंड मौजूद है जिसमें हर चीज स्टोर हो रही है अभी तो ये भी आ रही है कि थूक जो है आपकी उसमें कई टेराबाइट का डेटा स्टोर किया जा सकता है जिस तरह ये आपके कार्ड्स हैं कोई ग्लैंड ऐसा है जिसके अंदर ये सारी चीजें स्टोर हो रही हैं या इस फिजिकल वर्ल्ड से कोई चीज ताल्लुक नहीं रखती है अल्लाह ताला ने हर इंसान के साथ कोई ऐसी चीज अटैच कर दी है कि यहां से डाटा सीधा ट्रांसफर हो रहा है जो उसके नाम है अमाल में जो फरिश्ते अल्लाह साथ मुकर कर दिए हैं वो उसके नाम अमाल को नोट करते रहते हैं वल्लम इसकी क्या तफसीर है बहर क्यामत वाले दिन ये किताब की शक्ल में उसका सारे का सारा नाम माल उसके सामने रख दिया जाएगा खुलावा पाएगा और फिर अल्लाह तला की तरफ से हुक्म होगा एक किताबक आज अपनी किताब पढ़ कफा नफसी कल यउमा अलई का हसीबा आज तू अपना हिसाब करने के लिए खुद ही काफी है वाकई इंसान अगर अपने करतूत खुद पढ़ ले तो कैसे भाग सकता है दुनिया में भी जब तक सीसीटीवी कैमरे की वीडियो आप किसी शख्स को नहीं दिखाते उस वक्त तक तो वो बाना कर सकता है कि मुझे तो पता ही नहीं उधर कौन गया था या किसी की रिकॉर्डेड कॉल, जब तक आप किसी को नहीं सुनाते वो भाग सकता है कि मुझे तो पता ही नहीं है लेकिन अगर सारा रिकॉर्ड उसके सामने रखा जाए कि भाई ये तेरे नंबर से फुला बंदे को टेक्स्ट गया ये देख सीसीटीवी कैमरे में तू ही नजर आ रहा है फला जगह तू मौजूद था अब किसी गवाह की जरूरत नहीं है ये इससे भी अगला वर्जन है कि अल्लाह ताला ने टाइनीस डिटेल तक नोट की हुई है एक दूसरी जगह आता है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब इंसान वो अपना नामा माल पड़ेगा तो कहेगा कि ये कैसी किताब है कि ना इसने कोई छोटी चीज छोड़ी है और ना कोई बड़ी चीज मगर उसका अहाता कर लिया हुआ है ये हकीकत बात है इंसान के लिए बड़ी परेशान कुन चीज है इसीलिए दुआ करनी चाहिए कि अल्ला हिसाब हमारा जो आखरत का हिसाब है उसको हमारे लिए आसान फरमाना आमीन मन तदा इन नमा तदील नफसी जो भी हदायत के रास्ते पर आता है तो वो अपने ही भले को अपनी ही जान की खातिर उस रास्ते को इख्तियार करता है और जो कोई बहकेगा या बहता है तो उसकी गुमराही का बवाल उसी पर होगा और इसका अल्टीमेट अंजाम क्या है वला जीरो वाज़िरतु विजरा उखरा कोई बोझ उठाने वाली जान किसी दूसरे के आमाल का बोझ नहीं उठाएगी ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कुरान में कई जगह आया बात इसलिए रिपीट करनी पड़ती थी कि उस वक्त जो बड़े बड़े सरदार थे ना जब वो देखते थे कि उनके मातहत लोग उनके अबाउद का दीन छोड़कर पैगंबरों के साथ अटैच हो गए तो वो अल्टीमेटली आखिरी चाल ये खेलते थे कि अगर क्यामत वाले दिन कोई अजाब हुआ तो तुम्हारे हिस्से का अजाब हम उठाएंगे हम तुम्हें जुबान देते हैं तो अल्लाह तारा ने फरमाया कि अगर कोई ये कह भी दे वैसे तो उधर जाके इंसान ये कह रहा होगा कि मुझसे मेरे बीवी बच्चे भी ले लिए जाए मुझे छोड़ दिया जाए लेकिन फर्ज अगर कोई इतना ही दिलेर आ गया कि वो आखिरत में कहता है कि चूंकि मैंने अपने मानने वालों को गुमराह किया था अपने फॉलोअर्स को सब्सक्राइबर्स को लिहाजा उनके गुनाहों का बोझ भी मैं उठाऊंगा अगर कोई इतना बेशर्मी के साथ क्यामत वाले दिन कोई दावा भी कर दे तो इसके बावजूद उसका वो दावा कबूल नहीं होगा क्योंकि यह अल्लाह का रूल है कि कोई बोझ उठाने वाली जान किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगी लेकिन यह तस्वीर का एक रुख है दूसरी जगह कुरान में यह भी आया कि जो लोग किसी को गुमराही के रास्ते पर चला रहे हैं उन सारे लोगों का ववाल उस गुमराही के पेशवा को भी होगा और उनके अपने वबाल में भी कमी नहीं आएगी यानी वो अपने गुनाहों का तो बोझ उठाएंगे अपने फॉलोअर्स के गुनाहों का भी बोझ उठाएंगे जिनको उन्होंने गुमराह किया लेकिन फॉलोअर्स नहीं बचेंगे उन्होंने अपने हिस्से का बोझ उठाना है वो डबल बोझ उठाएंगे जो पेशवा होंगे इसको स्पोर्टिव वो हदीस भी है सही मुस्लिम की के जिसने इस्लाम में अच्छा तरीका जारी किया जितने लोग उस पर अमल करेंगे उसका सवाब उसे मिलेगा अच्छा तरीका अच्छी बिदत नहीं और जिसने इस्लाम में बुरा तरीका जारी किया उनका वबाल भी उस जारी करने वाले पर होगा और उनके वबाल में भी कमी नहीं होगी वहां उनकी नेकियों में कमी नहीं होगी यहां उनके वबाल में भी कमी नहीं होगी और सबको इज्तमाही तौर पर लानत बड़े के ऊपर आएगी जो बुखारी मुस्लिम में न्याय कि जब भी दुनिया में किसी को कतल किया जाता है ना तो उसका अजाब काबिल के ऊपर भी जाता है क्योंकि वो पहला शख्स था जिसने अपने भाई को कतल किया था हाबील को तो ये जो फार्मूला है वो अपनी जगह है सूरत अजाब में भी अल्लाह ने फरमाया ना कि क्यामत वाले दिन लोग कहेंगे कि अल्लाह हमारे बड़ों को हमारे बुजुर्गों को दुगना अजाब दे कि इनकी वजह से हम गुमराह हुए और इन पर बड़ी लानत फरमा यहां तो बुजुर्गों का नाम भी बगैर वजू के नहीं लेते वहां कहेंगे कि अल्लाह इनके ऊपर अजाब भेज जिनकी वजह से हम घुमराह हुए लेकिन वह दोगुना अजाब बेशक उन्हें मिले भी इनके अजाब में फिर भी कमी नहीं आएगी ये अल्लाह तला का यूनिवर्सल ट्रुथ है मा कन्ना हता नब आता रसूला और हम अजाब नहीं करते जब तक के किसी नबी को मबूस ना कर दें किसी उम्मत में ये सूर बनी इसराइल की आयत नंबर फिफ्टीन जो है यह अल्लाह तला का एक और यूनिवर्सल ट्रुथ है इसमें देखें कई एक यूनिवर्सल ट्रुथ आए इस एक आयत में तीन आए हैं नंबर वन जो हदायत का रास्ता इख्तियार करेगा तो अपने ही नफे को करेगा उसी को फायदा होगा और जो गुमराही का रास्ता अख्तियार करेगा उसका बवाल उसी पर होगा नंबर टू कोई जान बोझ उठाने वाली किसी दूसरे के गुनाहों का बोझ नहीं उठाएगी और नंबर थ्री कुन्ना मुअज़्ज़िबीना ना नबअसा रसूला हम उस वक्त तक अजाब नहीं देते किसी भी कौम को जब तक के उनमें रसूल को मबूस ना करते इस आयत के तहत यह चीज इस्टेब्लिश है कि अल्लाह तला ने खुद से अपने ऊपर यह चीज लाजिम कर ली है कि मैं रसूल को जरूर मबूस करूंगा और अगर कहीं रसूल की दावत नहीं पहुंची तो उनकी बख्शिश के चांसेस मौजूद हैं सिर्फ एक खुदा का मान लेना काफी है शरीयत पे अमल ना करे जा रहे उन तक तो दावत ही नहीं पहुंची भी लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जिन तक दावत नहीं पहुंची लेकिन जिन तक दावत पहुंच गई उन्होंने हक हाँ कबूल नहीं किया तो उन्हें अजाब भी आएगा इसी में इंप्लाइड है कि इस्लाम के जो वालदेन है नबील इस्लाम की बेसर से पहले ही फौत हो गए आपके वाले तो आपकी पैदाइश से पहले फोत हो गए वालदा छह साल की उम्र थी जब नबीलाम की वह दुनिया से चली गई लिहाजा उन तक वक्त के पैगंबर की दावत नहीं पहुंची ऐसे लोगों को अहले फतरत कहा जाता है ऐसे पीरियड में पैदा होने वाले लोग जिसमें किसी नबी की दावत उन तक ना पहुंची हो तो उनके लिए रूल यही है वमा कुन्ना ना हत्ता ना हत्या ना बासा रसूला सूर्य यासीन में आया कौम मा उल जरा आबाफा गाफिलून नबी हमने आपको उस कौम में पैगम्बर बनाकर मबूस किया है कि जिनके पास कोई डर सुनाने वाला तशरीफ लेकर नहीं आया था यानी इस्लाम के जो आबाओ अजदाद थे उन तक कोई इस हवाले से दावत हक नहीं पहुंची हुई थी टेम्पर्ड फॉर्म में दीन था अगरचे दुनिया में मुख्तलिफ अधियान मौजूद थे अंबिया की दावत मौजूद थी लेकिन वह कौम और कबीलों के एतबार से थी हजरत इब्राहिम और इसमाइल को भी जानते थे मुशरकिन अरब लेकिन पैगंबर की हैसियत से है नहीं अपने जद अमजद की हैसियत से है। तो ऐसे लोग अहल फतरत कहलाते हैं जिन तक नबियों की दावत नहीं पहुंची और उन्होंने नबियों का रास्ता इख्तियार नहीं किया उनके ऊपर कोई अजाब वाला मामला नहीं होगा यह कुरान का बेसिक प्रिंसिपल है और इसी के तहत बाकी अहदीस को फिट इन करना होगा जो नबीस्तम के वालदे से मुतल मिलती हैं मसलन सही मुस्लिम में हदीस है एक शख्स नबी इस्लाम के पास आया और उसने कहा यार सुल्ला मेरा बाप कहाँ है तो आपने फरमाया तेरा बाप जहन्नम की आग में अल्लाह ताला ने वही के जरिए बताया वो रोता हुआ वहां से उठ के चल दिया तो इस्लाम ने उसे वापस बुलवाया और कहा कि तेरा बाप और मेरा बाप दोनों जहन्नम में मुस्लिम शरीफ की इस हदीस की वजह से बाद लोगों ने यह रिजल्ट निकाला कि नबील इस्लाम ने अपने वालिद के बारे में ये बात की हालांकि उसमें अल्फाज बाप के हैं वालिद के नहीं है अमूमन वालिद और बाप इंटरचेजेबल वर्ड है मेजोरिटी केसेस में वालिद के लिए बाप का लफ्ज आता है लेकिन कभी कभार चचा के लिए भी आ जाता है वो भी मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि चचा बाप की मिसल होता है इसी तरीके से कुरान में हजरत यूसुफ अल इस्लाम ने अपने आबा में हजरत इस्माइल को भी जिक्र किया हालांकि वो इस्माइल की औलाद में से नहीं थे वो तो हजरत इसहाक की औलाद में से थे जब इस तरह की चीजें मौजूद हों तो फिर हमने शरी हुकुम बयान करते वक्त वह बेनिफिट ऑफ डाउट देना है क्योंकि दूसरी तरफ कुरान का प्रिंसिपल मौजूद है हदीस में भी स्पोर्टिव चीजें मौजूद हैं लिहाजा हम ये समझते हैं कि नबील इस्लाम जब ये कह रहे हैं ना कि तेरा बाप और मेरा बाप जहन्नम में तो इससे मुराद नबील इस्लाम ने अपने चचा अबूलाब को जिक्र किया चचा तो था और बाप भी लगता था और नबी इस्लाम से प्यार भी बहुत करता था दावत के बाद खिलाफ हुआ ना वरना बुखारी में इमाम बुखारी ने तालीका नकल किया है कि उसने हजूर की पैदाइश के ऊपर अपनी लोंडी को आजाद कर दिया था जिसके साथ फिर वो एक ख्वाब भी उन्होंने बयान किया कि हर मंडे वाले दिन उसे उसी उंगली से रतूबत पिलाई जाती थी उस ख्वाब बयान करने वाले मझूल शख्स और उस सनद में तो कलाम है लेकिन ये बात तो इस हवाले से क्लियर है कि ये सब कुछ किया और वो सोबिया जिसे आप उर्दू में कहते हैं अरबी में कहते हैं वो बेसिकली जो लोंडी थी वो अबू लहब की थी जो नबी इस्लाम को दूध पिलाया करती थी वो बाद में मुसलमान भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह तो उस एतबार से एक मोहब्बत का रिश्ता तो था इसी तरीके से सही मुस्लिम में एक और हदीस है कि इस्लाम ने कहा कि मैंने अपने रब से दुआ मांगी कि मैं अपनी वालदा की कब्र पर जाना चाहता हूं तो अल्लाह ताला ने मुझे मना कर दिया फिर बाद में अल्लाह ताला ने मुझे कब्र पे जाने की इजाजत दे दी लेकिन उनके हक में दुआ करने से मना कर दिया इस हदीस की वजह से बाज लोगों ने यह रिजल्ट निकाला कि चूंकि नऊज बिल्ला नबीस्लाम की वालदा हालत कुफ्र या शिरक में गई है इसलिए अल्लाह तला ने उनके हक में दुआ करने से रोक दिया क्योंकि सूर्य अतौबा में आया कि किसी मुमिन या नबी के लिए शाया नहीं कि उसके करीबी रिश्तेदारों में से कोई कुफर की हालत में दुनिया से गया कि उनके लिए दुआ मफरत करे इसलिए नबील इस्लाम को मना किया गया कुरॉलरीज बना के तो एक बड़ा मजबूत मुकदमा इस हवाले से खड़ा हो सकता है इसमें कोई शक नहीं है लेकिन फिर वही बात कि इन आयत का क्या बनेगा इन आयत के अंदर उन अहदीस को फिट इन करना है क्योंकि बिल्कुल 180 डिग्री जा रही है अगर कहीं पे फिट इन ना बैठ रहा हो तो फिर आपने बजाई कि इन अहादीस का इनकार करने के कुरान के रू से उसे बिठाने की कोशिश करनी है कि ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या है तत्बीक इसमें क्या है ततबीक यह है कि नबील इस्लाम की वालदा के हक में उन्हें दुआ करने से रोक दिया गया दैट्स ऑल उसके पीछे क्या हिकमत है वो नबील इस्लाम ने खुद बयान नहीं फरमाई लेकिन अपनी वालदा की कब्र पर वो गए उसी हदीस में आता है मुस्लिम शरीफ की आलमोस्ट पचास साल के बाद उनकी वफात के मदीना शरीफ और मक्के के दरमियानी रास्ते में वो कब्रे मुबारक आती है अबवा नामी जगह है खुद भी रोए साहबा भी रोए फिर वहीं पे आपने फरमाया था मैं तुम्हें कबरों पे जाने से मना करता था लेकिन अब मैं हुक्म देता हूं कबरों पे जाओ क्योंकि ये आखिरत की याद दिलाती है दुनिया से बेरगवती पैदा करती हैं इसके बाद रिजल्ट निकालना यह अपने ईमान को खतरे में डालने के मुतरदफ है क्योंकि असल रूल अपनी जगह मौजूद है वमाकुन ना मुआजबी ना हता रसूला हम अजाब देते ही नहीं जब तक के रसूल वबूस ना करें बील स्तम के वालदेन अहल फतरत में से हैं उन तक दावत नहीं पहुंची लिहाजा उनके ऊपर कोई शरी हुक्म उस एतबार से नहीं लगेगा अमूमन एहले हदीस फिरके की तरफ से यह हरकत की जाती है उनके लिए फिर मैंने फकीर रखी हुई है कि अगर इसी तरीके से तुम रिजल्ट निकालोगे तो फिर हम तुम्हें सही मुस्लिम की हदीस सुनाते हैं टू फोर जीरो अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मुमिन अली से बुक्स नहीं रखेगा मगर मुनाफिक जी बिल्कुल हम मानते हैं तो अगली बात जिन लोगों ने हजरत अली से जंगें की हैं वो तो बुक्स से भी अगले दर्जे की चीज है ना तो क्या हम नाउज बिल्ला उन जंगों के हजरत अली के मुखालफी के ऊपर मुनाफिकत का फतवा लगा देंगे ये भी नहीं लगाएंगे थोड़ी देर पहले तक ये हजूर के वालदेन के ऊपर लगा रहे हैं कह गाल उत ही जाती है नाते यह भी सीधी सीधी भी रोधरी जाती है तो वह सिर्फ इनके मामू नहीं आएंगे उसमें तो अशरतुम तो मुबशरा भी आ जाएंगे हजरत अल्लाह और जुबैर जो कतई जन्नती हैं उससे भी बढ़ के हमारी मां सईद आयशा सलाम उल्ला जिन्हें अंबार इब यासर बुखारी में कह रहे हैं कि दुनिया और आखरत में तुम्हारे नबी की बीवी है इसका मतलब है कि अम्बारिबन यासिर ने भी इस हदीस का यह रिजल्ट नहीं निकाला कि हजरत अली के मुखालफी है जो उनसे जंग लड़ रहे हैं वो मुनाफिक है हालांकि हदीस रिजल्ट निकाला जा सकता था अल-बई हकी में मौजूद है हजरत अम्बारिबन यासिर कहते हैं कि अहल शाम यानी हजरत माविया रजी अल्लाह तुम की पार्टी को यह ना कहो कि यह काफिर है ये कहो कि यह फासिक और ालिम है काफिर ना इन्हें कहो यानी उन्होंने तावील की कि ये दुनिया की मोहब्बत में मगलूब होकर सारा मामला हुआ इसके पीछे मुनाफकत नहीं थी अगर ये नाउज बिल्ला बुगज अली है भी था ना तब भी निफाक वाला बुगजे अली नहीं था दुनिया की मोहब्बत का गलबा था वो तो हजूर की मौजूदगी में भी तो हो गया ना अहद के मौका पर क्या वो जानसार साबा नहीं थे जो मालिक नीमत के पीछे चले गए थे तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि वो कोई मुनाफिक हो गए थे ऐसा तो नहीं हुआ था अल्लाह ने बाद में माफ भी कर दिया तो ये हो सकता है बुहारी मुस्लिम में हदीस है जो आपने अपनी वफा से एक महीना पहले खुतबा दिया था उसमें आपने फरमाया देखना मेरे बाद काफिर ना हो जाना कि एक दूसरे की गर्दने मारना शुरू कर दो मुझे अपने बाद तुमसे ये खतरा नहीं कि तुम कुफ्रशिर करना शुरू कर दोगे लेकिन मुझे इस बात का खौफ है कि तुम दुनिया की मोहब्बत में दबाव बर्बाद हो जाओगे एक दूसरे को कत्ल करोगे और फिर इसके नतीजे में हलाक कर दिए जाओगे जिस तरह के अगली कॉमें हलाक कर दी गई बेसिकली ये हुआ है That's all. बाकी इस पे तफसीलन मैंने कई वीडियोज में कलाम किया है वो आप देख सकते हैं इसी आयत के ऊपर कंक्लूड करते हैं सुबह अशदिन جزاكم الله خيرا